अध्यात्म चिंतन धारा इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हम इस समय भारतीय आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला का प्रसारण कर रहे हैं, जिसमें गुरुजी डॉक्टर सुरेंद्रनाथ द्विवेदी जी से हमें अध्यात्म संबंधी प्रश्नों के शास्त्रीय समाधान प्राप्त होते हैं। कल मैंने गुरुजी से शास्त्रोक्त कर्म सिद्धांत के स्वरूप और महत्व संबंधी प्रश्नों को रखा था। आज की कड़ी में हम उससे आगे की चर्चा करते हैं। गुरु जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हरिओम। आज के कार्यक्रम के लिए हमारे प्रश्न हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, योगः कर्मसु कौशलम् क्या है। हमने देखा है कि समाज में आज जो श्रेष्ठ कर्म कर रहा है उसको तदनुसार जीवन जीते हुए नहीं देखा जा रहा है, और जो ऐसे कर्म कर रहा है जो शास्त्र विहित नहीं है वह सुखी और समृद्ध है। इसका क्या कारण है? कर्म और अकर्म के बीच भेद क्या है? मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इन प्रश्नों का शास्त्र सम्मत समाधान प्रस्तुत करने का अनुग्रह करें। गुरु जी, हरिओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। आइए श्रीमद् भगवद गीता और रामचरित मानस के माध्यम से कर्म के स्वरूप पर विचार करते हैं। वह परमात्मा जो समस्त संसार का रचयिता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है, सर्व समर्थ है, वह परमात्मा भी जब इस धराधाम पर आता है तो हमें उन भगवान को कर्म करते हुए देखने को मिलता है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन मेरे लिए कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, मैं कर्म करूं या न करूं मेरे लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन फिर भी तुम देखते हो मैं कर्म करता हूं, क्योंकि यदि मैं ही कर्म नहीं करूंगा तो दूसरे लोग जो मेरा अनुसरण करते हैं वे कर्म कैसे करेंगे। महापुरुषों के लिए, जीवन मुक्त ऋषियों के लिए कोई भी कर्तव्य कर्म शेष नहीं होता है, वे कुछ करें अथवा न करें फिर भी भगवद गीता में ऐसा कहा गया है कि वे यज्ञ करते हैं, दान देते हैं और तप करते हैं। ये सब कर्म वे इसलिए करते हैं ताकि उनका अंतःकरण शुद्ध हो। संसारी पुरुषों में और महापुरुषों में केवल यही अंतर होता है। संसारी पुरुष अज्ञान पूर्वक कर्म करता है, महापुरुष ज्ञान पूर्वक कर्म करता है। कर्म और कर्म फल, इनकी परंपरा ही कुछ बड़ी विचित्र सी है। मनुष्य कर्म करता है और उस कर्म का फल भोगता है, फल भोग काल में भी वह कर्म करता है। एक ओर तो वह अपने कर्मों का फल भोगता है और दूसरे ओर कर्म करते हुए नए कर्म फल तैयार करता है।
यह कर्म और कर्मफल की जो परंपरा है ये कभी टूटती नहीं है। और क्योंकि यह परंपरा टूटती नहीं है इसीलिए बार बार उसका जन्म होता है और बार बार उसकी मृत्यु होती है। जो महापुरुष हैं वे इस कर्मफल की परंपरा को तोड़ देते हैं। इस कर्म और कर्मफल की परंपरा को तोड़ने का जो विधान है, तोड़ने की जो विधि है, तोड़ने की जो व्यवस्था है, उसी को योग कहते हैं। कर्म के माध्यम से यह कार्य कैसे संपादित होता है इसकी विधि भगवद गीता ने बताई थी। यदि कर्म बड़ा कठिन है, कर्म इतना आसान नहीं है जैसा कि लोग उसे समझते जी। सामान्य रूप से हम देखते हैं भगवद गीता को 18 अध्यायों में बांटा गया है, उनमें से आरंभ के 6 अध्याय कर्म की व्याख्या करते हैं, मध्य के 6 अध्याय 7 से लेकर के 12 तक भक्ति की व्याख्या है और 13 से लेकर के 18वें अध्याय तक ज्ञान की व्याख्या है। तो पहला प्रश्न जो हमारे सामने है वो है योगः कर्मसु कौशलम्। कर्म करने की वो कौन सी विधा है, वो कौन सा तरीका है जिस प्रकार से कर्म करते हुए हम अपने फल को न प्राप्त करें अथवा हमें श्रेष्ठ फल की प्राप्ति हो। सामान्य व्यक्ति जो कर्म करता है, सामान्य मनुष्य जो कर्म करते हैं वे तो अज्ञान पूर्वक करते हैं। अज्ञान पूर्वक कर्म का अर्थ है वे कहते हैं यह कर्म मैं कर रहा हूँ, ऐसा भी अनुभव ही करते हैं और व्यवहार में भी बोलते हैं इस कर्म को मैंने किया और उसका अहंकार भी पाल लेते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। कर्म शरीर से होता है, मन से होता है और वाणी से होता है, और ये तो जड़ है, तू तो चेतन है, चेतन कर्म करता नहीं है, कर्म जड़ के द्वारा हो रहा है जी। कैसी इसे बात है, कर्म कोई और करे और करता चेतन अपने को समझे। आज का ये जो प्रश्न है इसे थोड़ा सा एकाग्र होकर के समझना पड़ेगा क्योंकि यह शुद्ध दर्शन का प्रश्न है। कई बार आपने सुना होगा लोग कहते हैं अपने को जानो, तुम कौन हो, तुम जड़ हो या चेतन हो। अब किसी से भी अगर ये कहा जाए कि तुम जड़ हो तो वह स्वीकार नहीं करेगा, वो कहेगा मैं जड़ कैसे हो सकता हूँ, मुझे तो सब प्रकार का ज्ञान हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो मैं जड़ कैसे हो सकता हूँ। बात भी बिल्कुल ठीक है। भगवद गीता में कहा गया इंद्रियाणि पराणि आहुः इन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु प्रबुद्धि यो बुद्धेः परतस्तु सः। वहां जब प्रश्न हुआ कि जीव कौन है, बोले भाई शरीर तो सबसे बाहर है, शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, इंद्रियों के भीतर मन है, मन से भी जो सूक्ष्म है वह बुद्धि है और जो बुद्धि से भी सूक्ष्म है वह तुम हो जी। हम आत्मा स्वरूप हैं, हम चेतन हैं, हम जड़ नहीं हैं, हम जैसे बचपन में थे वैसे ही युवावस्था में रहे, वैसे ही वृद्धावस्था में भी है। हमारा शरीर बदलता है, इंद्रियां बदलती हैं, मन बदलता है, विचार बदलते हैं, बुद्धि भी बदल जाती है, लेकिन हम कभी नहीं बदलते। जो ज्ञान हमने बचपन में प्राप्त किया था, जो बोध हमें युवावस्था में हुआ था, वही बोध हमें अभी भी है। हम अलग हैं या जड़ समुदाय अलग है,
कर्म तो ये जड़ समुदाय कर रहा है, यह प्रकृति का अंश है और प्रकृति त्रिगुणात्मक है, तत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीन गुणों से यह शरीर बना है, इन्हीं तीन गुणों से इंद्रियां बनी हैं, इन्हीं तीन गुणों से मन बना है और इन्हीं तीन गुणों से बुद्धि बनी। सो त्रिगुण में तो भेद हो सकता है, इसीलिए एक शरीर से दूसरे शरीर में भेद देखा जाता है। किसी मनुष्य के शरीर में सत्वगुण की प्रधानता है, किसी के शरीर में रजोगुण की प्रधानता है, किसी में तमोगुण की प्रधानता है। जो तमोगुणी लोग हैं वो अखाद्य खाते हैं, जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, जो नहीं पीना चाहिए वो पीते हैं, जो आचरण नहीं करना चाहिए वैसा आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते। रावण का आचरण इसी तरह का है, कुंभकर्ण का आचरण भी इसी तरह का है। ये शुद्ध तमोगुणी जीव जो रजोगुणी है कर्म किए बिना नहीं रह सकते, उनमें कर्म की प्रधानता होती है, वे सुखी होते हैं, बार बार दुखी होते हैं, दुखी अधिक रहते हैं। ऐसे लोगों के पास संसार की सारी संपत्ति आ जाए ऐसी उनकी इच्छा होती है, सारी संपत्ति आ जाने के बाद भी क्या वे सुखी हो जाएंगे? कदाचित कुछ समय के लिए वो सुखी हो सकते हैं, शांत नहीं हो सकते। इसी तरह से जिनमें सत्वगुण की प्रधानता है उनके जीवन में सुख होता है, जिसमें रजोगुण की प्रधानता है ऐसा व्यक्ति भी सुखी होता है, लेकिन वो बाहर के भोगों से सुख प्राप्त करता है। सत्वगुणी व्यक्ति सुख बाहर से नहीं प्राप्त करता, उसे अंदर से सुख मिलता है। सुख और दुख ये मन के धर्म है, जिसका मन सात्विक है सब बात बन जाए के ज्ञानम, जिसका मन सात्विक है उसका मन ज्ञान प्राप्ति करने में समर्थ होता है, जिसकी बुद्धि में रजोगुण की प्रधानता है, जिसके मन में रजोगुण की प्रधानता है उसके मन में और बुद्धि में काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि अनेक प्रकार के विकार होते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन अपने मन को और अपनी बुद्धि को मेरे में लगाओ, मैयो मन आदत्त मई बुद्धि मेरे से। अर्जुन ने कहा इसकी क्या होगा? कन्हैया ने कहा फिर तेरा शरीर चाहे जहां रहे तू मेरे में रहेगा, तू मेरे साथ रहेगा। मैयो मन आदत्त मई बुद्धि मेरे से देव शिष्य मैयो अत ऊर्धम न संशया। बड़ी विचित्र बात है, हमें कर्म करने के ये साधन मिले हुए हैं, ये साधन है साध्य नहीं है। यह शरीर भगवत प्राप्ति का साधन है, इंद्रियां भगवत प्राप्ति का साधन है, हमारा मन और हमारी बुद्धि भगवान में लगाने के लिए है। इन सबको तो हमने संसार में लगा दिया और संसार में बदले में हमें क्या दिया? सुख, थोड़ा सा सुख, क्षणिक सुख और सदा सदा के लिए दुख। न केवल इस जन्म में, अगले अगले जन्म में भी दुख की गारंटी। जन्मत मरत दुसा दुख होई, जीव को सबसे अधिक कष्ट होता है जन्म के समय और सबसे अधिक कष्ट होता है मृत्यु के समय। एक जीवन का आदि है और दूसरा जीवन का अंत है। सो आदव अंते च यन्नास्ति वर्तमाने भी तत्सम। मनुष्य के जीवन में आरंभ में जैसा होता है अंत में जैसा होता है वर्तमान में भी वैसा ही होता है। रजोगुण की प्रधानता होने के कारण हम बाहर सुख खोजते हैं,
बाहर सुख तो है, शांति नहीं है। और यही एक सिद्धांत है, जहाँ सुख मिलता है वहीं से दुख मिलता है, जहाँ से जितना सुख मिलता है वहीं से उतना दुख मिलता है। उदाहरण के लिए महाराज श्री दशरथ को सबसे अधिक सुख महारानी कैकेयी के महल में मिलता था, तो सबसे अधिक दुख कहाँ से मिला? सबसे अधिक दुख भी महाराज जी को कैकेयी के महल से ही मिला। जिस बालक को खिलाने में बाबा को सुख मिलता है, उसी बालक के न रहने पर वह उतना ही दुखी होता है। हम संसार में जिस वस्तु से जितना प्रेम करते, उस वस्तु के न रहने पर उतना ही दुखी होते हैं। संसार में सुख मिले और दुख न मिले, यह तो हो ही नहीं सकता। सुख और दुख की यह जो अनंत परंपरा है, यह कभी टूटती नहीं। इसलिए परम पूज्य स्वामी रामसुदास जी महाराज कहते हैं, थोड़ी थोड़ी देर बाद भगवान से प्रार्थना करते रहो, हे प्रभु मैं आपको भूलूं नहीं। तो ऐसा क्यों कहते? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि तू उन्हीं का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जो जिसका अंश होता है, अंश में अंशी के समस्त गुण पाए जाते जी। और वह अंशी जब तक अंश को अपने में मिला नहीं लेता, उसका प्रयास रहता है। यह जो ईश्वर का अंश है जीव, जिसे मैं शब्द के द्वारा संबोधित करता हूँ, सभी लोग जिसे मैं कह करके पुकारते हैं, यह मैं कौन है? देखो, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये सब तो मेरे हुए। मैं कौन हूँ? मैंने और मेरे में अंतर है। जैसे मेरा घर, तो घर अलग है और मैं अलग हूँ। इसी तरह मेरा शरीर, तो शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। मेरी इंद्रियां, मेरा मन, मन अलग है और मैं अलग हूँ। मेरी बुद्धि, तो फिर बुद्धि अलग है और मैं अलग हूँ। तो मैं कौन हूँ? मैं चेतन हूँ। और जब तक मैं इस शरीर में बैठा हूँ, तभी तक ये शरीर काम का है। किसी संत ने लिखा, जा दिन मन पंछी उड़ गई है, तादिन तेरे तन सरोवर के सबई पास झर गई है, घर के कहे बेगे ही काढ़ो, भूत भय को खई है। जिस दिन मैं इस शरीर को छोड़ दूंगा, उस समय ये शरीर भूत हो जाएगा। यह शरीर कब तक सुंदर है? हम समझते हैं यह शरीर सुंदर है, क्या वास्तव में शरीर सुंदर है? रक्त, मांस, शोणित, पुरीष, क्या सुंदर है इस शरीर में? इस सब के अंदर बैठा हुआ वह जो परमात्मा है, जिसका मैं अंश हूं, क्योंकि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये स्थिरं तिष्ठति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह कहते हैं, यह नहीं कहते कि मैं केवल मनुष्यों के शरीर में रहता हूँ, सर्वभूतानां समस्त भूत प्राणिनां हृदये अहं निवसामि, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता हूँ। तो जब तक वह परमात्मा इस शरीर में बैठा हुआ है, तभी तक ये शरीर सुंदर है। तो कर्म कौन करता है? वह चेतन तो कर्म करता नहीं, कर्म शरीर के द्वारा होता है, और इस कर्म को हम अपना समझते हैं। अर्जुन से कन्हैया ने कहा, अर्जुन तू क्या समझ रहा है?
मैं युद्ध कर रहा हूँ। अर्जुन ने कहा कन्हैया मैं नहीं कर रहा, तो फिर कौन कर रहा है? कृष्ण ने कहा जो करे का कर्म जिस समय होना है वह उस समय होगा, ये प्रकृति का नियम है जी। कर्म विधान के अनुसार मैंने पहले ही निश्चित कर रखा है कौन हारेगा और कौन जीतेगा। कन्हैया तूने कब निश्चित किया? कन्हैया ने कहा जिस समय मैं दुष्ट दुर्योधन के सभा मंडप से जा रहा था दुर्योधन को मनाने के लिए, मेरी बहन द्रौपदी ने अपने नेत्रों में आंसू भर करके मेरी ओर देखा था। उसने मुझसे कहा था कन्हैया अगर तू मनाने जाएगा तू मनावे और कोई न माने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जी। तो क्या तू वास्तव में दुर्योधन को मनाने जा रहा है? मैंने मुस्कुराया और द्रौपदी से कहा था द्रौपदी मनाने कौन जा रहा है, मैं तो उस दुष्ट को प्रेस करने जा रहा हूँ। उस दुष्ट की दुष्टता कितनी है ये संसार को बताने जा रहा हूँ कि वो मेरी बात भी नहीं मानेगा। यदि मैं चाहूं और दुर्योधन न माने ऐसा कैसे हो सकता है? मैं दुर्योधन के पास नहीं जा रहा हूं। तो कन्हैया तू कहां जा रहा है? श्री कृष्ण कहते हैं बहन मैं तो अपने भक्त विदुर से मिलने जा रहा हूं। कृष्ण जाते तो दुर्योधन के पास है, सभा मंडप में दुर्योधन का मान मर्दन करने के लिए, क्योंकि उसी सभा में जब दुष्ट दुर्योधन कहता है तो चिग्रे नहीं उदास ज्ञान बिना युद्ध के सब, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं हूं। और इसके बाद जब उसने मेरे को भोजन करने के लिए बोला, मैंने उससे कहा अगर तेरे घर में मैं भोजन करूंगा तो मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी जी। दुर्योधन ने कहा कृष्ण क्या मैं इतना पतित हूँ? कन्हैया ने कहा तेरा अन्न खा करके अगर भीष्म पितामह की बुद्धि खराब हो सकती है, अगर द्रोणाचार्य की बुद्धि खराब हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं? उस समय द्रोणाचार्य ने कहा था कन्हैया आप हमारे घर भोजन कर सकते हैं। कन्हैया ने कहा नहीं मैं आपके भर घर इसलिए भोजन नहीं करूंगा क्योंकि आपने दुर्योधन का अन्न खाया है, तो आप भी जो पहले थे वो अब नहीं रहे। भोजन का समय हो रहा है, भोजन तो कहीं करना ही होगा। कन्हैया ने कहा भोजन तो करूंगा लेकिन उसके घर जाकर के करूंगा जो मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण कर्म के प्रति कितने सावधान हैं। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे इसकी चिंता नहीं करते, वे भोजन के प्रति कितने सावधान हैं। भोजन वहां करूंगा जो भोजन भजन के लिए करता है। दुर्योधन का भोजन भोग के लिए है, ऐसे भोजन को भगवान स्वीकार नहीं करते। तो कर्म तो कोई और करे और स्वीकार कोई और करे तो ये अज्ञान पूर्वक कर्म नहीं तो और क्या है? कर्म तो शरीर के द्वारा होता है, इंद्रियों के द्वारा होता है, मन के द्वारा होता है और बुद्धि के द्वारा होता है। और हम कहते हैं अहम करोमि मैं करता हूं, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? किसी दूसरे के द्वारा किए गए कर्म को स्वयं जीव स्वीकार करने में यह पाप नहीं तो और क्या है? अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण से कहा था भैया धनुष बाण मेरे हाथ में है, यह महाभारत के युद्ध में युद्ध तो मैं ही करूंगा, धनुष पर मां तो मैं ही छोड़ूंगा। कन्हैया ने कहा अर्जुन तू केवल निमित्त मात्र है और
इस बात को उन्होंने अपने विराट रूप में अर्जुन को दिखा दिया। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन देख, ये जो कौरव पक्ष के लोग हैं, ये सब इस युद्ध भूमि में मरे पड़े। मया एते नीता पूर्वमेव। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गया, कन्हैया जो मैं इस आपके विराट रूप में देख रहा हूँ, ये सब मरे पड़े हैं, ये सत्य है, अथवा जिन्हें मैं अपने सामने रथ पर, हाथी पर, घोड़ों पर खड़े हुए देख रहा हूँ, ये सत्य है, जो मरे हुए हैं ये सत्य है, अथवा जिनसे मुझे युद्ध करना है ये सत्य है, इन दोनों में सत्य कौन है? कन्हैया ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, अर्जुन तू जो बाहर देख रहा है ये वर्तमान का सत्य है, और जो मेरे विराट रूप में देख रहा है ये 18 दिन के युद्ध के बाद का सत्य है। सुकर्म तो कोई और करता है। हम यह भी कह सकते हैं यह कर्म भगवान करते हैं। प्राय लोग ऐसा कहते हैं, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। लेकिन आज हम कर्म सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, तो यहां हम यह कह सकते हैं कि पूर्व जन्म के हमारे जो कर्म है जी, उन कर्मों के फल स्वरूप आज जो परिस्थितियां हमारे सामने खड़ी हैं, यह जड़ वस्तु समुदाय कर्म कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है, क्योंकि जितना भी जड़ वस्तु समुदाय है, कोई भी जड़ वस्तु दूसरी जड़ वस्तु के लिए नहीं होती। ये संसार का आकाश के नियम है। वृक्षों में लगे हुए फल इसी चेतन की प्रतीक्षा करते हैं। संसार की जितनी जड़ वस्तुएं हैं, वे किसी न किसी चेतन के लिए। तो कर्म जड़ में देखा जाता है, चेतन में उसका आरोपण होता है। यहाँ जड़ और चेतन हमारे शरीर के अंदर कुछ इस प्रकार से घुल मिल गए हैं, जैसे आप दर्पण के सामने बैठ जाएं या दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, तो आपको अपना प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देगा। अब स्वयं भी यह समझ पाना कठिन हो जाएगा कि जो मैं बाहर हूं वह सच है या जो मैं दर्पण के अंदर हूं वह सच है। कई बार आपने सिनेमा में देखा होगा, कोई पात्र किसी दर्पण के सामने खड़ा है और आपको दिखाई दे रहा है। प्रथम दृष्टि में आपको ऐसा लगता है ये व्यक्ति हमारे सामने खड़ा है, और फिर जब उसकी मूल आकृति को आप देखते हैं, तब आपको पता चलता है ये दर्पण के अंदर से इसका प्रतिबिंब था, जो बिंब है वो तो बाहर खड़ा हुआ है। हम चेतन हैं, उस चेतन की चेतना से जिसे हम कहते हैं, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जिसे हम कहते हैं, जो चेतन है हमारे शरीर के अंदर, जो सर्वव्यापक है, उस चेतन की चेतना से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और शरीर, ये सब चेतन जैसे होकर के कार्य करते हैं। इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये सब चेतन होकर कार्य नहीं करते, क्योंकि चेतन इनका धर्म नहीं है। अगर हम इन्हें चेतन कह देंगे तब तो फिर ये कभी जड़ हो ही नहीं सकते, इसलिए हम इन्हें चेतन नहीं कहते, हम इन्हें चेतन जैसा कहते हैं। इस चेतन के जैसे कब तक है? जब तक उसकी कृपा है जो हमारे हृदय में बैठा हुआ है, अथवा जब तक हमारे कर्म परिपक्व होकर के हमारे इस शरीर को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हमारे जीवात्मा को आगे नहीं बढ़ाते हैं, तब तक।
तो उस चेतन की चेतना से ये सब चेतन जैसे वो करके कार्य करते। गुरु जी प्रश्न पर लौटते हैं जी। प्रश्न था कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो जरा संक्षेप में अगर इनका नाम कथन हो सकता है। मुख्य रूप से कर्म तीन प्रकार के होते हैं, प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। इस समय हम जो कर्म कर रहे हैं वह क्रियमाण कर्म है। मान लीजिए इस समय हम बोल रहे हैं, यह वाणी के द्वारा किया गया कर्म है, इसे हम क्रियमाण कर्म कह सकते हैं। यही क्रियमाण कर्म जब हो जाएगा, जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे यह कर्म संचित बनता जाता है। और प्रारब्ध कर्म वह होता है जिसका फल इस समय हमें मिल रहा है, जिसका फल हम भोग रहे हैं। प्रारब्ध में वह कर्म जिसने अपना फल देना आरंभ कर दिया है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक वीर पुरुष जिसके पृष्ठ भाग में टूनीर है और उसमें बहुत सारे बाण पड़े हुए हैं, उसके हाथ में धनुष है, एक तीर उसका धनुष के ऊपर चढ़ा हुआ है और एक तीर वह है जिसे वो छोड़ चुका है। यह जो पृष्ठ भाग में सुमीर है जिसमें बहुत सारे तरकस में जैसे तीर भरे हुए हैं, ये संचित है। जो धनुष पर चढ़ा हुआ बाण है, धनुष पर चढ़ा हुआ जो तीर है, यह क्रियमाण है। और जो तीर धनुष से निकल चुका है वह प्रारब्ध है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जिन कर्मों ने अपना फल देना आरंभ कर दिया है उन कर्मों को रोका नहीं जा, वे कर्म तो अपना फल देंगे ही। यह उस वीर पुरुष के हाथ में है, वो चाहे वो धनुष पर चढ़े हुए तीर को वापस लौटा सकता है और उसके तर्कस में जो तीर है उन तीरों का वो प्रयोग न करे, यह तो संभव है। यह संभव नहीं है उसके तर्कस से जो तीर निकल गया है उस तीर को वो वापस ला ले। गुरु जी यहाँ पर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है जी। यह जो संचित कर्म है जिन्हें तर्कस में रखे हुए तीरों की संज्ञा के माध्यम से आपने बताया जी, अभी आपने कहा कि धनुर्धर चाहे तो उनका प्रयोग करे या न करे जी। हमारे जो कर्म संचित कर्म है जी। उनके संबंध में प्रश्न है कि क्या हम उनके फल को रोक सकते हैं अगर ये हमारे ऊपर है। सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न है। यह जो हमारे संचित कर्म है और जो हमारे क्रियमाण कर्म है जी। इन दोनों के फल को हम रोक सकते हैं। इनको रोकने का एक उपाय तो है ज्ञान, क्योंकि ज्ञानाग्नि ही सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। ज्ञान की अग्नि इतनी प्रचंड होती है वो सभी कर्मों को भस्मीभूत कर देती है। यहाँ लिखा तो है कि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, लेकिन वो प्रारब्ध कर्मों को वो नहीं रोक पाती। इसका अर्थ प्रारब्ध कर्मों को छोड़ करके वो संचित और क्रियमाण कर्मों के फल को रोक सकती जी। ये ज्ञानाग्नि क्या है? देखो ज्ञानाग्नि है शुद्ध ज्ञान जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया जी। अगर हम संक्षिप्त में कहें तो ये ऐसे कह सकते हैं जो हमारा मन फल के साथ लगा हुआ है, जो हमारी बुद्धि फल के साथ लगी हुई है। बिल्कुल सरल शब्दों में मैं आपके सामने ये बात रखता हूँ, कर्म करते समय हमारा मन और हमारी बुद्धि कहाँ होती है? या तो कर्म के साथ होती है या कर्म के फल के साथ होती है जी। यही अज्ञान पूर्वक कर्म।
हमारा मन और हमारी बुद्धि पूरी तरह से कर्म में लिप्त होती है या कर्म के फल में लगी होती है। भगवान कहते हैं, अर्जुन मई एव मन आदस्त मई बुद्धि निवेश है, जो तेरी बुद्धि कर्म में लगी हुई है और कर्म के फल में लगी हुई है, इस बुद्धि को कर्म से हटा और कर्म के फल से भी हटा, मेरे में लगा दे। यह बुद्धि जब मेरे में लग जाएगी तो कर्म करते हुए भी तुझे कर्म का फल नहीं मिलेगा, अथवा तेरा मन और तेरी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि मन और बुद्धि की इनकी विशेषता है, ये जिस वस्तु से तदाकाराकारित होते उन्हीं के गुणों को धारण कर लेते, ये जिनसे मिल जाते हैं, जिनमें लग जाते हैं, उन्हीं को अपना स्वीकार कर लेते, उन्हीं के रूप में परिवर्तित हो जाते। इसीलिए जो मन का मन की उपमा है वो महापुरुषों ने दर्पण से दी है, मेरा मन दर्पण कहला दे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, मुकुर माने दर्पण। तो ये मन कैसा है? मन दर्पण के जैसा है। दर्पण कैसा होता है? दर्पण के सामने जो वस्तु रख दीजिए दर्पण वैसा ही हो जाता है, ये दर्पण की अपनी विशेषता है। तो मन की भी यही विशेषता है और बुद्धि की भी यही विशेषता है। ये मन और बुद्धि अगर भगवान में लग गए तो भगवदाकाराकारित हो जाएंगे। अब मन तो है भगवान के साथ, बुद्धि तो है भगवान के साथ, कर्म का फल कौन भोगेगा? कर्म का फल हम सब भोगते हैं जब हमारा मन और हमारी बुद्धि कर्म के साथ लिप्त होती है। तो यह जो प्रश्न था कि वर्तमान में जो श्रेष्ठ कर्म कर रहा है वह दुखी है और जो श्रेष्ठ कर्म नहीं कर रहा है उसको हम ऐश्वर्य भोगते हुए देखते हैं, तो शायद इसके पीछे यह प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म का जो सिद्धांत है वह काम करता है। देखो मैं एक उदाहरण के द्वारा इस बात को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ। हम रावण को पाप कर्म करते हुए देखते हैं, रावण है, कुंभकर्ण है, ये पाप कर्म करते हैं। कितना पाप करते हैं? रावण ने तो राक्षसों की सभा बुलाई और सभा को बुला करके ये कहा कि अब जेहि जेहि देश धेनु दुज पावहु नगर गांव पुर आग लगाओ। जिस जिस गांव में ब्राह्मण मिले, यज्ञ हो रहा हो, पुराण का वाचन हो रहा हो, गाय मिले, ऐसे पूरे के पूरे नगर में आग लगा दो। शुभ आचरण खत्म नहीं होगी, कहीं भी शुभ आचरण न होने पावे, इससे बड़ा पाप और क्या होगा? देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदर वर नारी, जहां कहीं कोई सुंदर स्त्री देखी बलपूर्वक उसका या तो अपहरण कर लिया या उससे विवाह कर लिया, यदि वो तैयार है तो विवाह कर लिया, नहीं तैयार है तो बलपूर्वक उसका अपहरण कर लिया, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? तो देखकर, और ऐसा रावण सोने की लंका का स्वामी है, उसका वैभव तो देखो। जब हनुमान जी महाराज रावण की सभा में गए तो हनुमान जी ने देखा कि जितनी बड़ी संख्या में राक्षस नहीं है, जितनी बड़ी संख्या में देवता वहां खड़े हैं, और वो भी कैसे? कर जोरे सुर विस्तृत विनीता भ्रकुटि विलोक सकल सभीता, सब हाथ जोड़े खड़े हैं। तो ऐसा देख प्रताप न कपि मन संका, ऐसा महाप्रतापी जो रावण है, उस रावण का आप जरा पूर्व जन्म देखिए। वर्तमान में तो सोने की लंका का मालिक है, वर्तमान में तो वो पाप कर्म कर रहा है जी। और फल कैसे मिल रहे हैं उसे? ब्रह्म सृष्टि जहां लग तनुधारी रसमुख बस वर्ती नर नारी, माने उस समय एक साथ दो चक्रवर्ती सम्राट थे, एक और महाराज श्री दशरथ चक्रवर्ती सम्राट और दूसरी और रावण चक्रवर्ती सम्राट थे। ये आपका जो प्रश्न है ठीक वही प्रश्न यहाँ दिखाई दे रहा है, कितना पाप करने वाला रावण, कितना अन्याय और अत्याचार अधर्म करने वाला रावण, लेकिन कैसे सुंदर भोगों को भोग रहा है। जो भोग देवताओं के पास नहीं है, जो रावण के पास है तुझे। लेकिन रावण का पूर्व जन्म भी तो देखो,
प्रारब्ध कर्मों का फल तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। रामानंद जी को फोड़ा हो गया, गले में कैंसर था उनके और उन्हें बहुत पीड़ा होती थी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने, जो उस समय नरेंद्र के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने कहा, गुरुदेव आप इस आपकी पीड़ा मुझे देखी नहीं जाती, आप माँ से प्रार्थना करो आपकी पीड़ा को दूर कर दे। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, ज्ञान देने के लिए परमहंस जी ने कहा कि नरेंद्र तुम भी तो कह सकते हो माँ से। और जब नरेंद्र ने माता काली से ऐसी प्रार्थना किया कि गुरुदेव का कष्ट मेरे से देखा नहीं जाता, तो माँ ने नरेंद्र से कहा, बेटा तुम क्या चाहते हो कि तुम्हारे गुरुदेव का एक जन्म और हो? विवेकानंद जी ने इस बात को समझा नहीं, उन्होंने कहा मैं समझा नहीं। माँ ने कहा ये तुम्हारा उनका अंतिम जन्म है, इसके बाद उनका जन्म होना नहीं, क्योंकि यह जो प्रारब्ध कर्म थे उनके, उन प्रारब्ध कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो यह जो कैंसर हुआ है, यह कैंसर भी प्रारब्ध कर्मों का ही फल है। इस अंतिम फल को भोगने के बाद इनका देह पाप हो जाएगा, उनका शरीर पाप हो जाएगा और इसके बाद इनका पुनर्जन्म नहीं होगा। ये पुनरपि जन्म, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जटते शयनम, ये तो केवल उनका होता है जो अज्ञान पूर्वक कर्म करते, जो कर्म को अपने द्वारा किया हुआ समझते। अर्जुन को सूत्र रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन माम अनुस्मर युद्ध, मेरा स्मरण करो और युद्ध करो, अपने मन को और अपनी बुद्धि को मेरे में लगाओ और युद्ध करो, तुम्हारा कल्याण होगा। हरिओम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। तो आज की चर्चा में हमने यह समझने का प्रयास किया कि कैसे भगवत बुद्धि के साथ हम कर्म में संलग्न हों, अन्न आदि कैसे हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है। आगे के अंकों में हम इससे आगे की चर्चा करेंगे। यदि आप सब में से किसी के मन में कोई प्रश्न है और ऐसा लगता है कि उन प्रश्नों को इस कार्यक्रम में गुरु जी के समक्ष रखा जाए, तो वीडियो के अंत में दिए हुए फोन नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजकर अथवा कमेंट के माध्यम से आप उन प्रश्नों को हमारे पास भेज सकते हैं। मैं प्रयास करूंगा कि आपके प्रश्नों को इस कार्यक्रम में अवश्य सम्मिलित किया जाए और उनके समाधान आप तक पहुंचे। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।